अच्छा पीयूष जी, मैं आपसे एक चीज पूछूं। जी मैम। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। अरे भाई अच्छी बात है। उसकी दुखती रग पे हाथ रख। वो क्या पूछ रहे, गर्लफ्रेंड है कि वो भी धर्मेश भाई बताएंगे? अच्छा कभी डेट पे गए हो? नहीं मैम, कभी नहीं। क्यों जी? अगर मैं आपको पूछूं डेट के लिए, आप जाओगे मेरे साथ? मैं कभी गया नहीं हूँ मैम डेट पे। अच्छा कुछ भाई ऐसे मौके कब कब मिलते हैं, प्लीज चले जा मेरी तरफ से। चले जा। हाँ कुछ नहीं होता, मजा आएगा। आप भाई तेरे पास 4-5 लोग हेल्प कर देंगे। हाँ बोल रहे हैं बोल पास। यस नहीं, पास पास अलाउड नहीं है हमें। पीयूष जी हाँ बंदे उनके साथ डेट पे जाने के लिए तलाक देने के लिए तैयार है। मैम आपको मना कैसे कर सकता हूँ? मजबूरी में जाएंगे आप हमारे साथ डेट पे? नहीं नहीं नहीं, आपके लिए डेट रेडी करते हैं हम, यहाँ पर सब सामान रेडी करते हैं। आप आइए, कैंडल लाइट डिनर होगा। भाई अपनी अपनी किस्मत है, कल के आए बच्चे डेट पे जा रहे हैं और आप इतनी दूर बैठे हो। कोई नहीं। कस्टमर आए, कस्टमर आई। पीयूष जी बैठिए, आई पीयूष जी बैठिए। मैं ठीक हूँ, बैठना पड़ता है डेट पे। अरे अरे पीयूष बैठ भाई। मैम टेम्परेचर से? ऑलराइट टेम्परेचर सर, टेम्परेचर ऑलराइट। बैठ जा सर। सम ग्लास फॉर यू सर। सर ग्लास प्योर सर। मैम ग्लास फॉर यू, टेम्परेचर। नो ग्लास। अरे पीयूष आप डेट पे हो, बात तो करो मैम से। कुछ पूछिए आप। पूल उठा के दीजिए मुझे। अरे माइक छोड़, क्या करेगा माइक का, ले ना पूल, ले ना उसे यार। थोड़ा बता, थोड़ा कैसे सीखा, थोड़ा पीयूष घुटने में नहीं, आओ अगर, नहीं अगर लाइक नहीं करते तो क्यों बोलेंगे ऐसे? अरे भाई जानकी प्लीज बोल दे यार। अरे शर्मा रहा है, बहुत ज्यादा शर्मा रहा है। अरे करते ही नहीं हो लाइक तो क्यों बोलोगे? पहली ऐसी डेट है, पहले 1.5 मिनट में लड़ाई होगी। बोल यार बोल। हम ना अभी उठ के जाने वाले हैं और फिर नहीं आएंगे। I like you, ma'am. फील आया? आया मेरे को तो आ गया, आपको नहीं अभी तक गया। डेट तो बेकार हो गई, बट मैं आप मेरे साथ डांस करोगे मैम? अरे मानने ना से टेम्परेचर की वजह से और आपके डांस की वजह से। सो थैंक यू सो मच। प्लीज प्लीज। Thank you.
थैंक यू सो मच पीयूष, ऑल द बेस्ट। Top 50. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Oh my God. Piyush, यार मुझे ऐसा लग रहा है वो गाना जब मैंने किया था मैंने कुछ नहीं किया यार। ये गाना इतना यूनिक है ना, देखने जाऊँ तो ये गाने में बहुत सारे बीट्स हैं। और जिनको पकड़ने में बहुत मजा आता है, छोटे छोटे बड़े, हर एक चीज आप, हर एक बीट आपने पकड़े हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा आपने क्या क्या कैसे क्या, मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा, जब भी मौका मिला तो ये जो ब्लॉक, ये जो गाने पे आपने किया है तो प्लीज मुझे सिखाना है। अमेजिंग है आपके लिए यार। थैंक यू सो मच सर। आपका स्वागत है डांस दीवाने में। सर मतलब मैंने लाइफ में कभी ये भी नहीं सोचा था कि सर मैं आपके सामने परफॉर्म करूंगा। अरे वाह। बट सर जब परफॉर्म करने के बाद सर आप खड़े हो जाते हो ना तो सर मैं बोल नहीं सकता सर, मतलब मैं कितना अच्छा फील करता हूँ। मैं फील कर सकता हूँ। और सर मेरे लिए डांस मतलब आप हो सर। मतलब डांस इज इक्वल टू धर्मेश सर है सर। मैं सर डांस में जब भी डीमोटिवेट होता हूँ, जब भी मैं लो फील करता हूँ तो सर मैं आपको देखता हूँ। और आपके वजह से ना सर मतलब ऐसा होता है कि नहीं उठ पीयूष करना है, धर्मेश सर के सामने डांस करना है, धर्मेश सर जैसा बनना है। तो सर थैंक यू सो मच, आपके वजह से डांस अभी भी मुझ में जिंदा है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जब आपने स्वेटशर्ट पे जब मुझे लास्ट टाइम सिग्नेचर दिया था तो सर वो ना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट था सर। और मैंने ना सर वो टी शर्ट का पैकअप कर दिया सर। वो टी शर्ट अभी कभी मैं पहनने ही नहीं वाला क्योंकि डर लगता है कि पहन लूंगा कहीं पसीने वसीने से वो चले गया तो मैंने ना उसको सर लैमिनेट करके अच्छे से रख दिया। मम्मी ने तो बोला है कि तू उसको भगवान के आगे रख दे। पहले भी बोला था कि मैं मेरे लिस्ट में ना जो बहुत अच्छे जो मेरे यहाँ टच हो जाते हैं ना उनकी लिस्ट मैं बनाता हूँ, उनके लिस्ट में आप भी हो। थैंक यू सो मच सर। मैंने आपको सिग्नेचर साइन मैंने दिया था, मुझे आपसे चाहिए सर। सर इतनी बार भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा ना उतनी बार मैं ऑटोग्राफ लूंगा मैं तेरे से।
जैसी साइनेस किया पीयूष नाइस थैंक यू सो मच। तुम्हारा साइन प्रियंका चोपड़ा का साइन लग रहा है, इतना मीन साइन लग रहा है। देख लो परिवार टीवी, खबर अच्छी बात सच्ची।